आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने चाहूँगा कि किस प्रकार से आप जिले स्तर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही राज्य स्तर पर होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं के लिए भी आप अपना आवेदन सीधा राज्य को प्रेषित कर सकते हैं। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आप सीधे जिला स्तर और राज्य स्तर पर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको ये गूगल फॉर्म जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिले स्तर से ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन हेतु कुशल शिक्षकों से प्रस्ताव। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन से स्कूल शिक्षा विभाग ने NIC की सहायता से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका शुभारंभ हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कर कमलों द्वारा दिनांक 7 अप्रैल को किया गया है। यह पोर्टल सभी के लिए निःशुल्क है तथा cgschool.in पर उपलब्ध है। इसमें अभी तक बहुत से विद्यार्थियों एवं शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे शिक्षक और विद्यार्थियों का पंजीयन किया जा रहा है। अब हमें जिला स्तर से नियमित कक्षाएं शीघ्र लेना शुरू करना चाहिए। एक साथ कई हजार कक्षाएं ली जा सकती है, अतः प्राथमिक से हायर सेकेंडरी स्तर तक के ऐसे शिक्षक जो बहुत कुशलतापूर्वक घर बैठकर कक्षाएं ले सकते हैं, वे अपने विषय के साथ आवेदन कर सकते हैं ताकि उनको अप्रूवल किया जा सके। पूर्व में प्राप्त आवेदन में से एक सूची जारी करके उन्हें अनुमोदन दिया जा चुका है और शेष सूची परिषद के विषय प्रभारियों को दी जा चुकी है। आने वाले पाठों को भविष्य में जूम के बदले अन्य प्लेटफॉर्म सिस्को विवेक्स के माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया साथियों की जानकारी अंग्रेजी में भरेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि यहाँ पर लिखा है, देखिए जानकारी अंग्रेजी में भरें। तो इस तरह से साथियों आपको जानकारी जो है अंग्रेजी में आपको फिल करनी होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है नाम, तो आपको यहाँ पर अपना जो नेम है उसको अंग्रेजी में भरनी है। उसके बाद देखिए नीचे में दिया है आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, उसके बाद साथियों नीचे में देखे आते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको दिया गया है ये डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को भी आपको अंग्रेजी में ही फिल करनी है, अर्थात जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है सभी जानकारी आपको इंग्लिश में ही फिल करना है। यहाँ पर भी आपको जिले का नाम अंग्रेजी में फिल करना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो लेवल दिया हुआ है, जो भी आपके लेवल से है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो भी आपके लेवल से है उस लेवल को आपको फिल करना होगा। तो साथियों इस तरह से आप आसानी से अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना जिला इंग्लिश में फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ से जो लेवल दिया गया है, आप किस लेवल के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, उस लेवल को यहाँ पे आपको बतलाना है कि प्राइमरी है कि अपर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी। उसके बाद साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, EVS, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनी अदर। इसके अतिरिक्त भी अन्य और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके आप क्लास लेना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पर आप उसमें एनी वन अदर करके उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यदि एनी अदर को क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ उस विषय को भरने के लिए कहा जा सकता है, और नहीं कहा जाएगा तो भी आप एनी अदर में कर सकते हैं यदि आपका जो विषय इसमें शो नहीं हो रहा है तब की स्थिति में। उसके बाद साथियों नीचे में दिया गया है इफ एनी अदर देन विच सब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई सब्जेक्ट अध्ययन कराना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका मोबाइल नंबर, तो दस अंकों का आपका जो मोबाइल नंबर, वेबसाइट पंजीयन करते समय CG स्कूल में जो आपने मोबाइल नंबर पंजीयन किया है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और नीचे में देखिए साथियों दिया गया है हैव यू रजिस्टर्ड यूअर सेल्फ इन यूर वेबसाइट, अर्थात आपने पहले से हमारे जो वेबसाइट है cgschool.in में आपको पंजीयन कर लिया है। और इफ नॉट प्लीज रजिस्टर फॉर गेटिंग अप्रूवल एज ऑनलाइन टीचर, यदि आपने अभी तक के पंजीयन नहीं किया है तो आपको पहले पंजीयन कर लेनी है cgschoolgovernment.in की वेबसाइट में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बताना है यस आर नो।
यदि आपने पंजीयन नहीं किया है तो आपको नो करना है, उसके बाद तुरंत आपको पंजीयन कर लेनी है, या तो पहले आप पंजीयन कर लें उसके बाद यह फॉर्म फिलअप करने के बाद।